हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए आज एक शानदार क्विज लेके आया हूँ और इस शानदार क्विज के साथ साथ एक शानदार इन्फॉर्मेशन भी लेकर आया हूँ। वास्तव में ही बड़ी शानदार इन्फॉर्मेशन है। हम आप लोगों के लिए डेली क्विज धमाका स्टार्ट करने वाला है। डेली क्विज धमाका, धमाका क्यों बोला? क्योंकि हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर हर रोज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार से पांच क्विज रन करेंगे और जिनकी संख्या आगे आगे बढ़ती जानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्विज कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, फिर अपने थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। देखो क्विज का क्या शेड्यूल रहने वाला है। सबसे पहले सुबह 10 बजे यानी 10 AM पर जो क्विज होगी वो एग्रीकल्चर, जो बेसिक एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड, ऑल ओवर एग्रीकल्चर। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको एग्रीकल्चर की नीड तो होती है। तो 10 बजे एग्रीकल्चर क्विज रहेगी और उसका जो माध्यम रहेगा वो हिंदी रहेगा, हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम की, प्योर हिंदी माध्यम की क्विज होगी जो सुबह 10 बजे रहने वाली है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। चाहे कोई TGT की कर रहा है, कोई PGT की कर रहा है, कोई UPSC की कर रहा है, कोई कृषि प्रवेशक की कर रहा है, कोई EEO की कर रहा है, कोई बैंकिंग की कर रहा है, सबके लिए बेनिफिशियल क्विज है और बड़े शानदार क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। उसके बाद 4 PM शाम को 4 बजे ये फ्लोरिकल्चर की क्विज रहने वाली है। फ्लोरिकल्चर की जो क्विज होगी वो प्योर इंग्लिश में रहने वाली है। इसमें JRF के स्टूडेंट है, नेट के स्टूडेंट है और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश मीडियम रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट फिर शाम को 6 बजे, 4 बजे के बाद नेक्स्ट क्विज होगी वो शाम को 6 PM पर होगी, है ना। 6 PM पर जो क्विज होगी वो जनरल एग्रीकल्चर की क्विज होगी, जनरल एग्रीकल्चर की क्विज होगी, वो इंग्लिश मीडियम में होगी। सुबह 10 बजे वाली प्योर हिंदी मीडियम में होगी और शाम को 6 बजे वाली होगी वो इंग्लिश मीडियम के अंदर रहने वाली है। उसके बाद शाम को 8:30 बजे 8:30 PM पर हॉर्टिकल्चर की क्विज चलेगी, उद्यान विज्ञान की हॉर्टिकल्चर की क्विज चलेगी। अभी उसमें फ्रूट साइंस का सेशन चल रहा है, सबसे पहले उसमें फ्रूट साइंस चल रही है, ये भी प्योर इंग्लिश के अंदर होगी। इसमें भी JRF है, नेट है और अदर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे कोई स्टेट लेवल का है, चाहे कोई UPSC का है, तो उनके लिए ये क्विज रहने वाली है। इसका टाइम होगा 8:30 का। इस क्विज के बाद अगला जो क्विज होगा वो 9:30 होगा, यहां 9 लिखा हुआ था, आप 9:30 पे होगा। 9:30 पर होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइज, राजस्थान में जो कृषि प्रवेशक की भर्ती आई हुई है उसके लिए क्विज होगी शाम को 9:30 बजे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन हिंदी मीडियम की क्विज होगी, ये प्योर हिंदी के अंदर होगी। और इस क्विज के अंदर जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस जो जिन्होंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म लगा रखा है उनको सिलेबस का तो पता ही है, ठीक है। तो इसमें हिंदी रहती है तो इसके अंदर हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, GK रहता है तो GK के भी क्वेश्चन होंगे, प्लस एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन होंगे, यानी कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है आपको। ये जो 5 प्रकार की क्विज है वो आपको डेली मिलने वाली है, सॉरी इनमें से ये जो 4 प्रकार की है ये आपको डेली मिलने वाली है। ये 4 क्विज डेली रन होनी है और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्विज है जिसमें तीनों ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो 3 दिन में एक बार होने वाली है, यानी हर तीसरे दिन होने वाली है। आज होगी, बीच में 2 दिन का गैप, फिर हो गई, फिर 2 दिन का गैप, ये इस तरह से होगी। और सबसे खास बात क्या है इस क्विज की, इसमें टॉपिक पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है। टॉपिक पहले अनाउंस कर दिया जाता है तो आप उस टॉपिक की प्रिपरेशन करके आ सकते हैं, उस टॉपिक का प्रिपरेशन करके आ सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये जो 5 प्रकार की क्विज है जिससे भी आपको बेनिफिट मिलता है वो क्विज आपको ज्वाइन करनी चाहिए और ये क्विज है वो आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री के अंदर है। तो इस क्विज का आप लोग तो फायदा उठाइए ही उठाइए, साथ साथ में जितने भी अपने दोस्त है, जानकार है, उनको भी ये शेयर करिए। इसमें हमारा भी कुछ फायदा होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों तक रीच कर पाएंगे और आपको भी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि आपका कंपटीशन होगा वो बहुत अच्छा जनरेट हो जाएगा। तो जैसे मान लो जितने लोग कंपटीशन में कम होते हैं उतनी ही हम तैयारी कम करते हैं, जितने कंपटीशन में लोग ज्यादा जुड़ते हैं तो फिर अपने टॉप में आने के लिए उतनी ही अच्छी तैयारी करते हैं, जितने ज्यादा कंपिटिटर उतनी ही अच्छी क्वालिटी जनरेट होती है। तो इसमें हम भी बहुत अच्छे से मतलब ग्रुप के साथ, बहुत बड़े ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे और आप लोगों के बीच में भी एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। और एक खास बात, इन सभी क्विज में टॉपिक वाइज टेस्ट होने के बाद जब मान लो कोई एक सब्जेक्ट या एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका मेजर टेस्ट भी होगा
और उस मेजर टेस्ट के अंदर जो टॉप करेगा उसको रिवार्ड भी मिलेगा। वो रिवार्ड हम उसको बाय पोस्ट या जिस तरीके से भी है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। वो रिवार्ड्स क्या होगा, जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन अनाउंस हो जाएगा। जिस दिन मेजर टेस्ट होगा यानी अपना एक सेक्शन कंप्लीट हो गया उसका जो मेजर टेस्ट होगा उसके अंदर जो टॉप करेगा उसको वो रिवार्ड मिलेगा। अब देखिए, आप इस क्विज का फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ आप जुड़ने वाले हैं। हमारे ग्रुप का नाम है वैसे तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर, तो आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर से भी सर्च कर सकते हैं और एक प्रॉपर आप कीवर्ड डालना चाहते हैं तो @ONLINEAGRICULTURE GRP। मैं लिख देता हूं यहां पे @ONLINEAGRICULTURE GRP। अच्छे से नोट कर लीजिए, आप टेलीग्राम पर जाकर इस ग्रुप को सर्च कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए @ONLINEAGRICULTURE GRP। ठीक है, तो इस ग्रुप से आज ही और अभी जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ भी ये सूचना है वो शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमारा कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है आप उससे जुड़े हुए हैं तो हम उस पर आप तक कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीजें ही पहुंचाते हैं। हमारा चाहे कोई सा भी सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे हमारा फेसबुक का पेज है, चाहे हमारा फेसबुक का ग्रुप है, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल है, चाहे अब हम इसमें टेलीग्राम पर काम कर रहे हैं, चाहे हम इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हैं, आप वहां जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हैं। चाहे आपने एक ही मिनट किसी ग्रुप को दिया है तो वहां से कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है हमेशा एग्रीकल्चर के लिए। देखो हम जो ये एफर्ट लगा रहे हैं, हमारे लिए भी लगा रहे हैं और आप लोगों के लिए लगा रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये मेरा आज का वीडियो है और आज की जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और उसके साथ साथ अपना जो WhatsApp है या फिर जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें। फिर मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि जो आज का वीडियो है, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप शेयर करें, हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें और आप के लिए भी एक बड़ा कंपटीशन जनरेट हो सके। आप खुद को भी देख पाएं कि आप इतने बड़े ग्रुप में कहां पर स्टैंड करते हैं और आपकी तैयारी तो अच्छी होनी होनी है। तो ये एक आज की मैं बता रहा था आपको शानदार इंफॉर्मेशन, तो ये आज की शानदार इंफॉर्मेशन है। तो अब जल्द ही स्टार्ट है डेली क्विज धमाका, जो फ्रूट साइंस है उसकी क्विज चल रही है, फ्लोरिकल्चर की आज से चल जाएगी और एग्रीकल्चर की जो क्विज है वो भी अपने कल से स्टार्ट हो जाएगी। हिंदी मीडियम की जो क्विज है वो भी अपनी कल से स्टार्ट हो जानी है। तो आप जल्द ही इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और फायदा उठाएं। तो हुआ ना ये धमाका, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारी क्विज मिलने वाली है। आगे हम इसमें और भी बहुत सारी क्विज ऐड करेंगे, सोयल साइंस की करेंगे, स्टैटिक्स की करेंगे, इकोनॉमिक्स की करेंगे। जो स्टूडेंट जिस क्विज का बेनिफिट लेना चाहता है वो उस क्विज का बेनिफिट ले सकता है। तो इस तरह के धमाके तो होते रहने हैं, वैसे जनरली जहां पर आप और हम मिलते हैं वहां धमाके होते ही होते हैं। तो चलो अब हम आज के इस लेक्चर की क्विज है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन अपनी इतनी थी जो मैंने आपको बता दी है, उसके अलावा मैंने आपको ग्रुप का नाम बता दिया है, उसके अलावा मैंने ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप सीधा ग्रुप से अटैच हो सकते हैं। चलो आज की क्विज के लिए अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आज की क्वेश्चन, आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है द क्राउन रूट इन वीट अपीयर्स। गेहूं में चंदेरी जड़ें निकलती है, गेहूं में जो चंदेरी जड़ें हैं वो कौन से भाग से निकलती है, कहां पर आपको दिखाई देती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। चंदेरी जड़ तो जानते हो ना, क्रिटिकल रूट जिसको बोलते हैं, क्राउन रूट भी बोल देते हैं, क्राउन रूट जिसको अपने क्राउन रूट भी बोल देते हैं। तो चंदेरी जड़ या फिर क्राउन रूट है वो गेहूं में कौन से भाग से निकलती है। इसका पहला ऑप्शन है अबो सोइल सरफेस, मिट्टी की सतह के ऊपर। बी ऑप्शन है बिलो सोइल सरफेस बट अबो सीड, यानी मिट्टी की सतह के नीचे लेकिन बीज के ऊपर। तीसरा ऑप्शन है बिलो सोइल सरफेस एंड बिलो सीड, मिट्टी की सतह के नीचे और बीज के नीचे भी। और डी ऑप्शन है केवल बीज के नीचे।
यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गेहूं में जो क्राउन रूट होती है जिसको अपने हिंदी में चंदेरी जड़ें बोलते हैं वो कहां से निकलती है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये था कि मिट्टी की सतह के नीचे, दूसरा ऑप्शन था कि सोयल मिट्टी की सतह के नीचे बट जहां सीड डलता है उसके ऊपर से, तीसरा जो अपना ऑप्शन था कि मिट्टी के नीचे और बीज के नीचे भी, और चौथा ऑप्शन है वो बीज के नीचे, है ना। तो इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है? देखो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, फिर मैं बहुत अच्छे से इसको आपको क्लियरिफाई भी कर देता हूं। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मिट्टी की सतह के नीचे बिलो सोइल सरफेस बट अबो सीड, यानी बीज के ऊपर, मिट्टी से नीचे, मिट्टी की सतह से नीचे लेकिन बीज के ऊपर से ये जड़ें निकलती है। बी ऑप्शन इसका राइट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी इस क्विज की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इससे पीछे भी जो क्विज हुई थी उसकी भी मैंने पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी थी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी मैं आपको जितनी क्विज करवाऊंगा अब से उनकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया करूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो राइट ऑप्शन तो था इसमें बी में, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये आपके सामने डायग्राम है, सबसे पहले मैं सिंपल डायग्राम में चलता हूं। ये है सोइल सरफेस, जहां से रेड लेयर स्टार्ट होती है वो है अपनी सोइल सरफेस, ठीक है। और ये यहां पे डलता है सीड, ठीक है। ये तो सीड है, इसके नीचे की रूट है, जो नीचे की रूट है उसको अपने क्या है सेमिनल रूट बोल देते हैं। जो सेमिनल रूट होती है वो सीड के नीचे है, ये सेमिनल रूट है सारी की सारी। ये सोइल सरफेस है, ये सीड है, ये सीड के ऊपर का भाग होता है, यहां पर होता है क्राउन, और इस क्राउन से जो रूट निकलती है उसी को अपने क्राउन रूट या फिर चंदेरी जड़ कहते हैं। तो राइट आंसर क्या था, जमीन के नीचे बट बीज के, बीज से ऊपर, तो यहीं से निकल रही है रूट, जाहिर सी बात है। तो क्राउन रूट होती है वो बीज जहां डलता है उससे ऊपर से निकलती है और मिट्टी की सतह से नीचे से निकलती है। अब ये देख लो आप पौधा, देख सकते हो गेहूं का। देखो गेहूं में जनरली क्या है, जैसे मान लो ये सोयल है, यहां ऊपर से तो क्या है टिलर्स निकल जाने, ये क्राउन कहलाता है, और यहां से निकलने वाली जो रूट होती है उसको अपने क्राउन रूट बोलते हैं। ये कोलियोपटाइल होता है यहां पे, और ये यहां पे अपने सीड डालते हैं, सीड डालने के बाद यहां सेमिनल रूट निकल जाती है, ये सेमिनल रूट निकलेगी, ये कोलिप्टाइल वाला भाग है और ये क्राउन भाग है, और क्राउन से निकलने वाली रूट है वही क्राउन रूट या फिर चंदेरी जड़ें कहलाती है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रूट ऑफ विच क्रॉप प्लांट रिलीज एलोपैथिक केमिकल्स इन टू द सम दैट इनबिट द जर्मिनेशन सक्सीडिंग क्रॉप्स। किस फसल के पौधे की जड़ें मिट्टी में एलिलोपैथी रसायन छोड़ती है जो अगली फसल के अंकुरण को रोकता है। यहां पे स्क्रीन पे आपको चार फसलें दी हुई है ऑप्शन में, इन चारों में से कोई एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ें कोई केमिकल रिलीज करती है, कोई रसायन रिलीज करती है, जिससे क्या होता है अगली जो फसल है उसके अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, अंकुरण प्रतिशत अच्छा नहीं मिलता है। अगर किसी पौधे की जड़ों से कुछ ऐसे रसायन निकले कि जो पास की फसल को या अगली फसल को नुकसान पहुंचाए तो उसको एलिलोपैथी प्रभाव बोलते हैं। तो देखो इन चारों में से ऐसी कौन सी फसल है जिससे एलिलोपैथी केमिकल निकलते हैं, जिससे एलिलोपैथी केमिकल निकलते हैं और जो अगली फसल है उसके अंकुरण पर प्रभाव डालते हैं। ए ऑप्शन है आपका सोरगम, सोरगम बोले तो ज्वार। बी ऑप्शन है सनफ्लावर, सूरजमुखी। सी ऑप्शन है मेज यानी मक्का। डी ऑप्शन है रेड ग्राम, रेड ग्राम बोले तो अरहर या फिर अपने इसको लाल चना या पीजन पी बोल देते हैं, ठीक है, अरहर को तुअर भी बोल दिया जाता है। इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो एलोपैथी इफेक्ट डालती है, एलोपैथी प्रभाव छोड़ती है, तो वो फसल है सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कैप्टन 50 WG टू अप्लाई इन द 1 हेक्टेयर एरिया इफ द रेट ऑफ एप्लीकेशन 0.75 kg पर हेक्टेयर। हिंदी में देखो, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कैप्टन 50 WG आवेदन करना है, यदि आवेदन की दर 0.75 किलो प्रति हेक्टेयर है तो कैप्टन की मात्रा की गणना करें। देखिए हमें देना क्या था, कैप्टन, ठीक है, हमें कैप्टन देना था, हमारे पास जो है वो है कैप्टन 50G है, सॉरी 50WG है, हमें कैप्टन देना है, हमारे पास जो उपलब्ध कैप्टन है वो कौन सा है, कैप्टन 50WG।
देखो कोई भी पीड़कनाशी होता है उसमें ये आगे जो होती है ये उसकी सक्रिय मात्रा होती है, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होती है। देखो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, जैसे मान लो कि आप 1 लीटर जहर की बोतल लेके आते हैं, मतलब जहर बोले तो कोई सा भी पीड़कनाशी, तो उसे 1 लीटर पीड़कनाशी के अंदर 100% जहर नहीं होता, उसमें 20, 30, 40, 50 जो भी उसमें फॉर्मुलेशन रखनी होती है तो उतना ही जहर होता है, बाकी उसमें पूरक पदार्थ होता है। ठीक है, तो उसमें जितना एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होता है वो दिया होता है, इसमें एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है 50 है, यानी आपको तो शुद्ध खेत में कैप्टान डालना था, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, कैप्टान 50 WG है, तो यानी आपके पास जो कैप्टान है उसमें सक्रिय मात्रा कितनी है 50 है। WG का मतलब क्या, ये फॉर्मुलेशन का टाइप होता है, WG का तो वेटेबल ग्रेनुलर होता है, WP भी होता है वेटेबल पाउडर होता है, SL होता है सस्पेंडेड लिक्विड होता है, EC होता है इमल्शन कंसंट्रेशन होता है, तो ये अलग अलग तरह की फॉर्मुलेशन बनती है। कभी इस तरह का लेक्चर आया तो उसके अंदर अपने डिटेल से बात करेंगे, अभी उस पर बात करने लगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्विज अपनी बीच में रह जानी है। पहली कंडीशन तो ये बता दी, अब आपका एरिया कितना है 1 हेक्टेयर है और आपको प्रति हेक्टेयर कैप्टान देना कितना है, कैप्टान देना है आपको 750 ग्राम। अगर मैं इसको किलो में लिखूं तो 0.75 kg लिख सकता हूं, ये मात्रा आपको देनी है। तो अब ये कहता है कि आपके पास जो कैप्टान है उसकी मात्रा की गणना करो, आपके पास जो कैप्टान है, अपने पास कौन सा कैप्टान है, कैप्टान 50 WG, उसकी मात्रा की गणना करो। 1 हेक्टेयर में हमारे पास अगर शुद्ध कैप्टान होता 100% जहर होता तो हम 750 ग्राम दे देते, बट हमारे पास तो 100% तो है ही नहीं, हमारे पास तो 50% वाला है, कम ज्यादा भी हो सकता था, बट इस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। तो आपको क्या है 1 हेक्टेयर के लिए कितना कैप्टान 50 WG मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला याद रखना है आपको, देखो फॉर्मूले में क्या याद रखना है, याद रखना है रिकमेंडेड डोज कितनी मांगी गई है इनटू एरिया, मतलब क्षेत्रफल, एरिया हमेशा हेक्टेयर में आएगा, बटा में आप क्या करोगे एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लिख दोगे जितना है, और गुणा में आप क्या कर दोगे 100 कर दोगे। ये फॉर्मूला याद रखना इस तरह के सवाल आ जाए तो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और मात्रा आपके सामने आ जाएगी। जैसे रिकमेंड कितना गया किया गया है 750 ग्राम किया गया है, ठीक है, तो यहां रिकमेंडेशन 750 ग्राम है, हम इसको किलो में ही मान लेते हैं, किलो में कितनी हो जाएगी 0.750, ग्राम में लिखोगे तो आगे ग्राम याद रखना है, यहां किलो में लिखोगे तो आगे किलो याद रखना है, इनटू में एरिया कितना है आपका 1 हेक्टेयर है, बटा में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितना है आपका 50 है इसके अंदर, और मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं आप 100 से कर रहे हैं। अब आप इसको कांट छांट कर लीजिए, कांट छांट करोगे तो देखो ये सिंपल सा कट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1.5 kg, आंसर कितना आ जाएगा 1.5 kg, तो आप इसका आंसर क्या देंगे 1.5 kg देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिकमेंडेड डोज का मतलब है मांग की गई मात्रा, इनटू में एरिया का मतलब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसमें हेक्टेयर में, बटा में सक्रिय मात्रा, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, इनटू में 100 लिखोगे, बस इतना लिखना है। इतना लिखते ही आपके सवाल में ये सारी चीजें दी हुई है, वैल्यू सेट करोगे, वैल्यू सेट करते ही आपका उत्तर आपके सामने आ जाना है। अब ये फॉर्मूला आप उतार सकते हो, क्योंकि ये मैं PDF डालूंगा उसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं है। पेस्टिसाइड से रिलेटेड कई तरह के सवाल आते हैं, ये सबसे सिंपल सवाल में से एक सवाल है। रिकमेंडेशन डोज को मैं लिख देता हूं यहां पे मांग की गई मात्रा इनटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसमें लिखोगे हेक्टेयर में, ठीक है, और एसी का मतलब सक्रिय मात्रा, ये हो गई सक्रिय मात्रा, तो ये अपना फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, अपने आप ही अपना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड वर्क बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर, सीड वर्क बोर्ड रिक्वायर्ड फॉर, बीज वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है वायबिलिटी टेस्ट ऑफ सीड, यानी बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। बी ऑप्शन है जर्मिनेशन टेस्ट ऑफ सीड, यानी बीज का अंकुरण ज्ञात करने के लिए, अंकुरण परीक्षण करने के लिए। सी ऑप्शन है बीज की प्योरिटी ज्ञात करने के लिए, शुद्धता ज्ञात करने के लिए।
डी ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑफ सीड यानी बीजों के मिश्रण के लिए। तो बीज वरक बोर्ड की आवश्यकता कहां पड़ती है, इनमें से किस उद्देश्य के लिए हम बीज वरक बोर्ड काम में लेते हैं? तो बीज वरक बोर्ड को हम काम में लेते हैं बीजों को मिक्स करने के लिए, ब्लेंडिंग ऑफ सीड के लिए काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द स्पीसीज ऑफ सुगर केन इज रिफर्ड एज नोबल केन, गन्ने की किस प्रजाति को नोबल गन्ना कहा जाता है? ए ऑप्शन है स्केरम स्पोंटेनियम स्पोंटेनियम, बी ऑप्शन है स्केरम बारबेरी, सी ऑप्शन है स्केरियम ऑप्सिनेरम, डी ऑप्शन है स्केरियम साइनेंसिस। तो इनमें से नोबल केन कौन सा है? ए ऑप्शन स्केरम स्पोंटेनियम, बी ऑप्शन जो है अपना वो है स्केरियम बारबेरी, सी ऑप्शन है वो स्केरियम ऑप्सिनेरम और डी ऑप्शन है वो स्केरियम साइनेंसिस। तो देखो जो नोबल केन है वो है स्केरम ऑप्सिनेरम, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। जो हम व्यावसायिक स्तर पर गन्ना लगाते हैं वो ही स्केरम ऑप्सिनेरम है, ठीक है। अब देखो ये नोबल केन या नोबलाइजेशन प्रोसेस क्या थी, बट एक सिंपल सा मैं बता देता हूं आपको। जनरली क्या था नोबलाइजेशन ऑफ सुगर केन क्या था? तमिलनाडु में दो वैज्ञानिक हुए, एक का नाम था सीए बार्बर और दूसरों का नाम था टीएस वेंकटरमन। ये मतलब दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे नाम याद रखना है, सीए बार्बर और दूसरे थे टीएस वेंकटरमन। ये दो साइंटिस्ट थे। देखो इन्होंने किस पर काम किया था, इन्होंने देखा कि जो स्केरम ऑप्सिनेरम है ये इसका तना भी मोटा है और इसमें शुगर भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये उत्तरी भारत में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इसका जो क्रॉस है वो स्केरियम बारबरी से भी करवाया जो एक कठोर प्रकृति का था, ठीक है। ये गुण इसका मतलब था कि ये कठोर प्रकृति का, जल्दी से इसमें कोई रोग कीट नहीं लगता है। इसके अंदर कमी क्या थी कि इसकी उपज भी कम थी और इसमें चीनी की मात्रा भी कम थी, तो इन्होंने इसके साथ भी इसका क्रॉस करवाया। और इन्होंने स्पोंटेनियम जो है जंगली गन्ना है, स्केरम जो स्पोंटेनियम है जिसको अपने खरपतवार भी समझते हैं, ब्रीडिंग में बहुत यूज होता है स्केरम स्पोंटेनियम जो होता है, तो इसके साथ भी इन्होंने इसका क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो इसकी स्पोंटेनियम की क्या खास बात थी, इसमें रोग नहीं लगते, इसमें कीट नहीं लगते, है ना। कमजोरी क्या थी, इसकी कमजोरी थी कि इसमें चीनी की जो मात्रा है वो बहुत कम है। बढ़िया तो कौन सा है, स्केरम ऑप्सिनेरम, बट ये उत्तरी भारत के अंदर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन दोनों के साथ इसका क्रॉस करवाया। सबसे जो ज्यादा फोकस किया गया वो स्पोंटेनियम पे किया गया। स्पोंटेनियम के जो गुण है वो ऑप्सिनेरम में ट्रांसफर किए गए, ऑप्सिनेरम में कुछ गुण है वो ट्रांसफर किए गए। कैसे ट्रांसफर, पहले तो इनके साथ क्रॉस करवा लिया, इनसे जो संति मिली उसको बार बार किसके साथ बैक क्रॉस करवाया, स्केरम ऑप्सिनेरम के साथ बैक क्रॉस करवाया। तो बार बार उसके साथ जब बैक क्रॉस करवाया तो वो कौन सा कहलाया, स्केरम ऑप्सिनेरम कहलाया, क्योंकि क्रॉस ही उसके साथ करवाया। तो इससे क्या हुआ कि जो स्केरम ऑप्सिनेरम था वो उत्तरी भारत में भी बढ़िया परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया, और इसी प्रक्रिया को अपने नोबलाइजेशन बोलते हैं, और इसीलिए स्केरम ऑप्सिनेरम को नोबल केन कहा जाता है। क्लियर है? तो ये नोबलाइजेशन प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखो इन तीनों जातियों की क्या सुपीरियरिटी गुण है, क्या इंफीरियर गुण है, इसी को ध्यान में रखते हुए नोबलाइजेशन प्रोसेस की गई थी। और स्केरम ऑप्सिनेरम जो होता है उसमें गुणसूत्र संख्या कई बार पूछ ली जाती है, उसमें गुणसूत्र संख्या 80 होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ वन कॉटन बेल इज इक्वल टू, कपास की एक गांठ का वजन किसके बराबर होता है? जनरली अनाज है, दलहन है, तिलहन है, उनको अपने मेट्रिक टन के अंदर वजन किया जाता है, क्विंटल में वजन किया जाता है, लेकिन जो कपास है उसको जो गिना जाता है, काउंट किया जाता है, वो गांठों के रूप में काउंट किया जाता है। तो कपास की एक गांठ में वजन कितना होता है? वैसे तो आपको पता ही होगा कपास की एक गांठ का एक बेल का जो वजन होता है वो 170 किलो होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो बी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेते जूट का, जूट की जो एक गांठ होती है उसका वजन पूछ ले, तो जूट की एक गांठ का वजन 180 किलो होता है, बट इन्होंने तो यहां कपास का पूछा है, तो कपास की एक गांठ का वजन 170 किलो ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने चलें। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट सिंथेसाइज निकोटीन,
तंबाकू के पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निकोटीन का संश्लेषण करता है? तंबाकू में कौन सा भाग है जो निकोटीन का संश्लेषण करता है? ए ऑप्शन है रूट यानी जड़, बी ऑप्शन है स्टेम यानी तना, सी ऑप्शन है ब्रांच यानी शाखा और डी ऑप्शन है लीफ यानी पत्ती। जानते होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। देखो, लोग कौन सा भाग खाते हैं? पत्ती खाते हैं। आपने तंबाकू की फसल पड़ी है तो पत्तियों का ही पड़ा, पत्तियों को अब तोड़ना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो पत्तियों के अंदर है वो निकोटीन संश्लेषित होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन संश्लेषित होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इन जूट ग्रोविंग एरिया द यूजुअल अल्टरनेट क्रॉपिंग, जूट उगाने वाले क्षेत्रों में सामान्यतः वैकल्पिक फसल कौन सी होती है, इसकी अल्टरनेटिव क्रॉप कौन सी होती है? ए ऑप्शन है सुगर केन यानी गन्ना, बी ऑप्शन है कॉटन कपास, सी ऑप्शन है राइस चावल और डी ऑप्शन है वीट यानी गेहूं। जहां जूट लगाया जाता है उसकी अल्टरनेट क्रॉप होती है वो धान होती है यानी पैडी यानी चावल। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। आप देखोगे दक्षिणी पूर्वी भारत है, वहां पर जूट का एरिया है, वहीं सबसे ज्यादा धान लगता है। जूट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, वैसे ही धान सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। तो जहां जूट है उसकी अल्टरनेट जो फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म क्या, अल्टरनेट जो क्रॉप है वो कौन सी है? धान है, पेडी है। नेक्स्ट है, मेट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड टू, चटाई प्रकार की नर्सरी का संबंध है। कई बार बता चुका हूं मैं, पीछे राइस की क्रॉप करवाई थी उसमें भी बताया था। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चटाई प्रकार की नर्सरी का संबंध किससे है। तो चटाई प्रकार की नर्सरी का या मेट टाइप नर्सरी का जो संबंध है वो पैडी क्रॉप से है। पैडी बोले तो धान यानी चावल की फसल से है। डेपोंग मेथड तो सुना ही है, डेपोंग मेथड जो है वो ही क्या है, मेट टाइप नर्सरी है। उसी तरह का जो पैटर्न होता है यानी मेट पर जो आप पौध तैयार करते हैं वो ही क्या कहलाती है, मेट टाइप नर्सरी कहलाती है। एक फर्श पे तैयार कर रहे हैं, मेट पे तैयार कर रहे हैं तो मेट टाइप नर्सरी हो गई। डेपोंग है वो भी मेट टाइप नर्सरी ही कहलाती है। तो मेट टाइप जो नर्सरी है वो पैडी क्रॉप से रिलेटेड है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, टिल्ट इज रिलेटेड टू, टिल्ट का संबंध है। देखो टिल्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टिलेज तो जानते होंगे आप लोग, टिलेज बोले तो भूपरिष्करण, भूपरिष्करण या टिलेज का मतलब होता है मिट्टी में किसी तरह का मैनिपुलेशन करते हो, मिट्टी में किसी तरह का भी आप फेरबदल करते हो जिससे बीज को और बीज अंकुरण के बाद जड़ों को एक उपयुक्त वातावरण मिले यानी सुटेबल इन्वायरमेंट मिले उसकी ग्रोथ के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। ठीक है, जब हम टिलेज करते हैं, भूपरिष्करण करते हैं, उसके परिणाम को खेत में हल चलाया उसका रिजल्ट जो है वो क्या कहलाता है, टिल्ट कहलाता है। बात यह है कि अब टिल्ट किससे प्रभावित होता है या टिल्ट का संबंध किससे होता है यानी टिल्ट पर असर किसका पड़ता है। ए ऑप्शन है शेप ऑफ द सोइल एग्रीगेट्स, मिट्टी के समुच्चय का प्रकार यानी मिट्टी की जो संरचना होती है उसका क्या प्रकार है। बी ऑप्शन है साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोइल एग्रीगेट्स, मृदा संरचना या मृदा समुच्चय का आकार वितरण कैसा है। सी ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ द सोइल एग्रीगेट्स, मृदा समुच्चय की व्यवस्था कैसी है और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। अब आप सोचो, देखो आप एक ही हल को एक क्ले मिट्टी में चला रहे हो, एक दोमट मिट्टी में चला रहे हो, एक बलुई मिट्टी में चला रहे हो, तीनों में अलग अलग तरह का टिल्ट आएगा, अलग अलग तरह का टिल्ट आएगा ना, अलग अलग तरह से मिट्टी खुदेगी, अलग अलग तरह से वहां पीछे भुरभुरापन आएगा। तो किससे फर्क पड़ रहा है, शेप से भी फर्क पड़ता है, उसके उसके डिस्ट्रीब्यूशन संरचना का वितरण है उससे भी फर्क पड़ता है, और जो मृदा समुच्चय है उसकी जो व्यवस्था, इन सब चीजों का तो फर्क पड़ रहा है ना उस पर। तो जो टिल्ट है उसका संबंध इन तीनों ही चीजों से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखो, वैसे तो आज का जो वीडियो था उसका जो मेन पर्पज था, जो मैं आपको टेलीग्राम पे क्विज बता रहा था, जो टेलीग्राम पे आपको क्विज बता रहा था, तो वो इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा मेन मोटो था आज के वीडियो का। लेकिन जब वीडियो बन ही गया तो कुछ ना कुछ आपको अलग से और बेनिफिट मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 10 जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर भी डिस्कस करवाया है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों से मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस ग्रुप में सारे के सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको कवर कर पाएँ और एक ऑल इंडिया में कंपटीशन जनरेट कर पाएँ। ठीक है, और अगर हमारी ये क्विज और ये हमारा जो नया स्टार्टअप है एक तरह से समझ लो, अगर आप लोगों को पसंद आया तो ये लिखा हुआ जो भी है वो सब कुछ कर दीजिए ना, क्या क्या लिखा हुआ देख लीजिए आप, है ना, सब कुछ जानते ही हैं। तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है, थैंक यू।